शेयरिंग वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में अगर आप कंप्यूटर लेने के इच्छुक हैं या आप अपना कंप्यूटर चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए आजकल जो मॉडर्न स्टडी है उसके लिए आपका लैपटॉप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं या उनको स्कूल्स कॉलेजेस में काफ़ी काम दिया जाता है। देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे, किस काम के लिए कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए और क्या, कैसे लैपटॉप लें, किन चीज़ों का ध्यान रखें और बजट कैसे डिसाइड करें, कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या आप उसमें देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लैपटॉप्स यूज़ किया जाता है। अगर आप गेमिंग की बात करें, हैकिंग की बात करें, नॉर्मल यूज़ की बात करें, बिजनेस की बात करें, एडवांस आईटी यूज़र्स की बात करें, तो सबके लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप बात करें लैपटॉप फॉर हैकिंग जो एडवांस यूज़ करते हैं, तो उसमें देखिए लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना चाहिए और वही लैपटॉप यूज़ लेना चाहिए। अगर गेमिंग के लिए बात करें तो एलियन बेल लैपटॉप्स आते हैं, फास्ट लैपटॉप्स चाहिए इसमें आपको, और MSI GT70 भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल अगर समझना चाहेंगे आप तो बेसिकली जो कोर प्रोसेसर है उसकी स्पीड ही मैटर करती है लैपटॉप के लिए। अगर आप नॉर्मल यूजेस करना चाहते हैं, जो कि इंडिया में 70-80% लैपटॉप्स यूज़ करते हैं लोग नॉर्मल अपना, कोई भी डिज़ाइन के लिए, गानों के लिए, फ़ोटोज़ के लिए, कोई क्लैरिकल MS ऑफिस विंडोज़ वगैरह के लिए, तो इंटेल कोर प्रोसेसर i3 आपके लिए यूज़ बेस्ट होगा। या अगर इसके प्राइस की बात करेंगे तो आप नॉर्मल, अगर आपकी रेंज 20,000 से लेके 40,000 के बीच में, आपको इंटेल आई कोर प्रोसेसर i3 मिल जाएगा। अमेजोन पे देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी बहुत अच्छे लैपटॉप्स और अच्छी कॉन्फ़िगरेशन और कंपनी के ब्रांडेड, और इंस्टॉलमेंट्स अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप 1200-1500 की इंस्टॉलमेंट के साथ लैपटॉप इजीली परचेज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बात करें थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे आपको हैवी सॉफ्टवेयर्स या गेमिंग करनी है, तो मीडियम इंटेल कोर प्रोसेसर i5 आप ले सकते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे तो i5 आप ले सकते हैं। ये नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसर है और ये फास्ट चलेंगे। और बजट की बात करें तो वही आपका 30-50 के बीच में जाता है। कॉन्फ़िगरेशन आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें डलवा सकते हैं या आप लेके उसके बाद में भी इसमें सॉफ्टवेयर एडवांस ऐड करवा सकते हैं। अगर बात करेंगे ऐप डेवलपमेंट या प्रोफेशनल्स की या एडवांस गेमिंग की, और जो आपको लैपटॉप चाहिए, अगर हैंग नहीं होना चाहिए आपका, तो आप i7 इंटेल कोर प्रोसेसर का यूज़ कीजिए। तो बेसिकली ये तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए, बात करें आप बजट्स का, आप ध्यान रखिए कि आपका क्या बजट है, वो पहले आप एक रफ पेज पे डिसाइड कर लें, क्योंकि जब आप ऑनलाइन साइट्स खोलेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वराइटीज़ और कन्फिग्रेशन इतनी ज़्यादा है और रेट वेरिएशन इतनी ज़्यादा है कि आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखिए, अगर रैम की बात करें तो कोई भी जब आप लैपटॉप नया लेते हैं तो नॉर्मली 4GB रैम तो इट्स अ वेरी नॉर्मल कि उसमें होनी ही चाहिए, उससे कम है तो आप मत लें। वैसे कोशिश कीजिए जो रैम होनी चाहिए वो 64 GB रैम होगी तो आपका फ़ायदा होगा। देखिए, लैपटॉप लेते हुए थोड़ी सी एक्स्ट्रा बजट नहीं है तो फिर भी फाइनेंस के थ्रू बना के रखिए, क्योंकि जो फिक्स एसेट्स होती हैं लाइफ में, चाहे आपने लैपटॉप लेना है, चाहे कंप्यूटर लेना है, चाहे घर का फ्रिज या टीवी लेना है, जो फिक्स एसेट्स हैं वो क्वालिटेटिव ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ 5, 10, 15, 20, 25 साल तो होती ही है। छोटी चीज़ों में आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो देखिए 500 GB से लेके 1000 GB तक, मिनिमम 500 GB आप हार्ड डिस्क को मेंटेन करके रखिए। कोशिश कीजिए लाइट वेट लैपटॉप यूज़ करने की, स्लिम लुक हो तो आपका थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा। और कलर कम्बिनेशन देखिए, गर्ल्स में पिंक और ग्रे चलेंगे, बॉयज़ में ब्लैक चल सकता है, वैसे आजकल वाइट का ज़्यादा ट्रेंड है तो वो देख लेना चाहिए। बैटरी बैकअप देख लेना चाहिए, 4-5 आवर्स का मिनिमम बैटरी बैकअप हो। गारंटी वारंटी देखिए कि वो
क्या गारंटी और वारंटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन साइट्स पे, इस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें आप। फ्री एसेसरीज आजकल होती हैं, फ्री लैपटॉप बैग्स होते हैं, एक्सटर्नल माउस होता है, फ्री की गार्ड भी वो प्रोवाइड करते हैं, और हेडफोन्स वगैरह भी आपको फ्री एसेसरीज में मिल जाते हैं। देखिए कंपनी की बात करें तो एचपी जो कंपनी है उसकी रिपेयर बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, हर शहर में और हर सिटीज़ में, हर टाउन में उनके सर्विस सेंटर्स भी हैं। जैसे अगर कार लेते हैं तो बंदा सोचता है मारुति हो तो सर्विस स्टेशन मिल जाएगा, और बैंक हो तो SBI या SBOB हो तो सर्विस स्टेशन मिल जाएगा। इसी तरह से HP का है इंडिया में। वैसे आप डेल, HP, लेनोवो और हाई रेंज में जाना चाहते हैं तो एप्पल के लैपटॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए तीन तरह के ही सिस्टम यूज़ होते हैं, विंडो, क्रोम OS और मैक का OS X। देखिए विंडो 10 है जो वो इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो लैपटॉप में देखिए विंडो 10 ही होनी चाहिए, विंडो 7 और 8 का उसमें इम्प्रूव्ड वर्जन है। आजकल लैपटॉप हैं जो वो 2-in-1 हो गए हैं, मतलब टैबलेट मोड पे भी मिलेगा और स्टैंड मोड पे भी वो कॉन्फ़िगरेशन उतर के लग जाएगी। साइजेस की बात करें तो 11x6 इंचीज, 15x6 इंचीज और 18x4 इंचीज होता है। देखिए अगर आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और आपने टेबल पे उसको फिक्स कर देना है और आपका जल्दी मूव भी नहीं होगा और आप उसको कैरी भी नहीं करेंगे, आप अपने ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए 18x4 का ले लीजिए, क्योंकि बड़ा होगा वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जितना छोटा होगा वो उतना हैंडी होगा और पोर्टेबल होगा और कैरी करने में आपको ईजी हो जाएगा। अगर आपकी जॉब या बिजनेस ट्रैवलिंग है, मूव करते हैं, तो 11x6 इंचीज़ या 13 इंचीज़ का भी आप ले सकते हैं। देखिए अगर हम अपनी रिसर्च की बात करें तो फ्लिपकार्ट में अभी HP कोर i3 प्रोसेसर की बात करें तो 24,000 की रेंज में है, वो इजी इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4GB रैम है, और डेल का भी 25,490 है, और लिनोवो का i3 की बात करें वो 28,990 है। ये फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, आप अमेजोन पे भी चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल लैपटॉप लेने के लिए आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, स्टाइलिश लुक हो, लाइट वेट हो, बैटरी बैकअप हो, बजट हो, रैम हो, हार्ड डिस्क देखें, स्टाइलिश लुक्स देखें, फ्री एसेसरीज देख लें, और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप वो देखें। थोड़ा सा अपना बजट जरूर हाई रखें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स एसेट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा क्वालिटेटिव हो जाएगा। और देखिए लैपटॉप लेने के बाद उसका रखरखाव अच्छा करें, लैपटॉप लेने के बाद उसको किसी टॉवल पे रखें, अपने की टेबल पे हो या कहीं भी हो, लैपटॉप बैग्स में भी हो, लैपटॉप बैग में कवर आ जाता है स्पेशली टेबल में, मोस्टली 70-80% दुनिया ऑफिसेज में यूज़ करती है घर पे, तो नीचे एक टॉवल लें अच्छा सा कुशन टाइप, उस पर मेंटेन रखें और उसको वैक्यूम के साथ या किसी भी ब्रश के साथ मिल जाते हैं आज, उसको क्लीन रखें। ज़्यादा हीट में लैपटॉप को मत रखिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर गर्म होगा उतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चीज़ लेने के बाद उसका रखरखाव और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो देखिए ओवरऑल बस यही है सारी चीज़ें। और आजकल क्या है कि टैबलेट्स भी आ गए हैं, कुछ नोटबुक्स भी आ गए हैं, तो आप अपने मुताबिक इन चीज़ों को देख लीजिएगा। लेकिन देखिए लैपटॉप कई एक और बात हम बताना चाह रहे हैं, देखिए बैटरी बैकअप कैसे ठीक होगा, लैपटॉप जब आपका पूरा चार्ज हो जाता है तो उसको चार्ज ऑफ करके रख दीजिए। अगर आप चार्जिंग पे लगा के लैपटॉप को कॉन्टीन्यूसली रखते हैं तो उसका जो बैटरी बैकअप पावर है और जो उसके सेल्स हैं बेसिकली बैटरी के, वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आपने अच्छे तरीके से लैपटॉप की बैटरी को रखोगे तो वो 2 या 2.5 साल चल जाती है, और अगर आप नॉर्मल बगैर केयर के रखते हो तो उसकी जो बैटरी बैकअप है वो 1-1.5 साल में आपको दोबारा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। टाइमिंगली उसकी रिपेयर सर्विस कराते रहें, कोशिश करें कि इंटरनेट से कोई वायरस ना हो, एंटीवायरस आप क्रैक वर्जन भी रख सकते हैं और आप किसी कंपनी का परचेज भी कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर देख लीजिएगा, 1200 में 2 साल का पैकेजेस मिल जाता है, वो आप देख सकते हैं, और नेट पे आप क्रैक वर्जन भी ढूंढ सकते हैं, आवास या वो फ्री में भी आना शुरू हो गए हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अच्छे सॉफ्टवेयर्स डलवाइए, क्लीन करते रहिए, क्लीन करने के लिए हमारा वीडियोस देख सकते हैं, कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए विंडो कैसे अपलोड करनी है या और हम इसमें और इन्फॉर्मेशन के चैनल्स हम वीडियो में डालने वाले हैं अभी कंप्यूटर के लिए,
तो चलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अच्छा सा लैपटॉप लीजिए, उसकी केयर कीजिए, ये आपकी एक असेट सी होती है जैसे आपका मोबाइल होता है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करने की आदत डालिए, उससे हमें एप्रिसिएशन मिलती है और हम और अच्छे वीडियो बनाने में सक्षम होंगे। तो चलिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।